एमटेक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 3 चरणों में नामांकन चयन सूची जारी किया गया। समिति द्वारा नामांकन चयन सूची जारी करने के उपरांत रिक्त सीटों पर अब स्पॉट नामांकन की सुविधा दी जा रही है। स्पॉट नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में संस्थानवार रिक्त रह गए सीटों का विवरण वेबसाइट www.dledbihar.com पर अपलोड है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किंतु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सीट आवंटन हुआ था किंतु वे संप्रति नामांकित नहीं हैं,